हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज कुमार बेहरा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट फ्रॉम एमकेडी एजुकेशन। इन माय प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम योर फिजिक्स पेपर। सो वी हैव डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, चेंज ऑफ फेज, सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। एंड वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट्स and some terminologies related to it. You can refer our website www.mkdueducation.com, from where you can download your class notes, you can see the video classes. Today we'll discuss some more concepts about heat and thermodynamics. Okay, let's move to our today's class. So in my previous class we have discussed three types of solid, that is one dimensional solid, that is 1D, two dimensional solid and three dimensional solid. See, let me tell you one more time, one dimensional solid माने कोनो जहाँरो केवल गोटे ही dimension थाए, that single dimension is length, ताकु one dimensional solid कहा जाए। टू डायमेंशनल सॉलिड कौन जहाँ केवल दुईटा ही डायमेंशन था, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। सिमिलरली थ्री डायमेंशनल सॉलिड इज दैट सॉलिड व्हिच विल बी हैविंग थ्री डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सी नाउ विल टेक example of one dimensional solid. Example of one dimensional solid is, see, what a linear object jahar kebol length hi thibo, dhara jau gote soru dhara cycle re jo spoke lage tar dimension ta ati choto na, taku neglect kar deba, tar jo diameter ta ku neglect kar dele, khali length rela, to generally kon hue one dimensional solid ta ku am taku hi kahiba jahar प्रोमिनेंट केवल गोटे ही डायमेंशन थी एंड दैट डायमेंशन इज लेंथ, इग्नोरिंग द डायमीटर और इन द ब्रेथ एंड हाइट। से मेटल रॉड, दिस इज द एग्जांपल। सिमिलर लेंथ, टू डायमेंशन सॉलिड इज दैट सॉलिड व्हिच विल हैविंग टू डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ। सपोज आमर गोटे मेटल सीट, तार कौन लेंथ भी रोचे ब्रेथ भी रोचे, सीट मेटल और मेटल सीट। एंड थ्री डायमेंशन सॉलिड गोटे क्यूबिकल, गोटे जहाँ भल्यूम थो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, गोटे मेटालिक क्यूब, मेटल क्यूब, एटा होची थ्री डायमेंशनल सॉलिड। नाउ पॉइंट एराइजेस जी मुझे तीनटा जाक कहीं कहूँ, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग वन डायमेंशन सॉलिड, टू डायमेंशन सॉलिड, थ्री डायमेंशन सॉलिड एंड व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन दीज थ्री सॉलिड्स विथ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। कहीं ना प्रीवियस क्लास रे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। सो वन डायमेंशन सॉलिड एक्सपांशन हेले ताको कौन कहिबा, सी लेट मी राइट, व्हेन वन डायमेंशन सॉलिड विल बी हैविंग एन एक्सपांशन, जदि वन डायमेंशन सॉलिड टा एक्सपांड हुए ताको हमें कौन कहिबु, लीनियर एक्सपांशन। कौन कहू लिनियर एक्सपांशन, कहीं गोटे लेंथ रे सी एक्सपांड हम। वी नो व्हेन एवर हीट इज आडेड और हीट इज सप्लाएड टू ए मेटालिक बॉडी, दैट बॉडी एक्सपांड्स, जदि तार गोटे ही डायमेंशन थी तेल से डायमेंशन टा बढ़ डायमेंशन जो लेंथ हो खाली लेंथ टा बढ़ दैट एक्सपांशन इज नोन एज लिनियर एक्सपांशन। सिमिलरली टू डायमेंशनल सॉलिड विल बी हैविंग ऑल्सो एन एक्सपांशन ड्यू टू हिटिंग, तो ताकु आमे कोन कहिबु, जेहेतु तार एरिया अछि गुडे टू डायमेंशन सॉलिड रे लेंथ आ ब्रेड्थ अछि, से एक्सपांशन टा हम कोन कहिबु एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन। सिमिलरली ए थ्री डायमेंशनल सॉलिड व्हिच हैज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट विल आल्सो बी हैविंग एन एक्सपांशन ड्यू टू हीटिंग, ताको हीट देला माने से एक्सपांड करिवो, तार एक्सपांड करिवो तार लेंथ भी बढ़िवो ब्रेड्थ भी बढ़िवो
height bhi badhibo. That expansion is known as cubical expansion or volume expansion or volume expansion. Now listen carefully. One dimension solid pai kon hobo linear expansion. Two dimension solid pai kon hobo areal expansion or superficial expansion. Kahi ki two dimension body re area hoche expand hue. Three dimension solid re kon hobo cubical expansion or volume expansion. Kahi ki gote cube re कि उठे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रे तार लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब गुड़ा को एक्सपांड करे से पई उठे तार वॉल्यूम ता ही इंक्रीज करे देयरफॉर द थ्री डायमेंशनल सॉलिड इज हैविंग ए क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक और वॉल्यूम एक्सपेंशन. नाउ वी डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ओके लेट मी राइट कोएफिशिएंट एक्सपेंशन व्हाट इज एक्चुअली ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. You might be studied or तुम्हें बोलते जानी नहीं थी वो क्या जानी थी वो coefficient of expansion टा कौन actually. Let me write coefficient of expansion. Now see coefficient of expansion टा actually कौन ये जो coefficient we know then what is coefficient. Coefficient टा कौन बहुत थर सुन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ एटा कोएफिशिएंट सेटा एथे तले तले कोएफिशिएंट कोन गुटे नोट ऑन तमे मन को तम मन बोदे फील होतो जे सर एक्चुअली कोएफिशिएंट कोन तो कोएफिशिएंट हम जानिबा दरकार. हम त बही रहछि हम पढि के डेफिनेशन मन रख दो लिखि देबो व्हाट एक्चुअली कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट रो माने कोन जानिबा coefficient heta kon actually coefficient is a number. It is a number which describes or which measures. Let me write it is a number which describes or measures a particular characteristics of a substance. Bujhela ni coefficient is just a number. It is a number which measures or describes a particular characteristics of a substance. ओडिया में बोझ शुद्ध ओडिया तक कौन करा कह गोटे पदार्थर विशिष्टता प्रति पदार्थर कि गोटे विशिष्टता अच्छी खासियत अच्छी से पदार्थर विशिष्टता कि तार खासियतटा को जब गोटे नंबर रे आम रिप्रेजेंट कर गोटे नंबर रे दैट नंबर इज नोन एज कोएफिशिएंट. इट इज ए मेजर और इट इज ए नंबर व्हिच मेजर्स और डिस्क्राइब्स ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस. क्लियर कोएफिशिएंट आम कौन जानगल एम कौन करवा लिखित मुझे लिखित पदार्थर विशिष्टता रपक आपको आम कौन कहफिसीएंट आपको जब आम नंबर एक्सप्रेस कोएफिशिएंट. ओके नाउ विल डिस्कस कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन से कोएफिशिएंट विषय कहली कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन कौन आम पढ़ ओके coefficient expansion is having three types since solid is of three types we have discussed. Similarly coefficient of expansion is three types. One is coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion okay ओडे ट्रिक हो छी जनरली आपे कोन करू डेफिनेशन टा पूरा घोसी दो पर बाय हार्ट कर दो ना तर ट्रिक अछि कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन मुइम द डेफिनेशन करले त मन छो डेफिनेशन बसे दो मन रख दो से कर दो किंतु हमें डेफिनेशन टा केमिति हमें मन रखिबो केमिति रिप्रेजेंट करिबो केमिति हमें डिफाइन करिबो दैट इज आल्सो हैविंग ए स्किल सेट व्हिच वी हैव टू गेट इट इन आवर माइंड हम भीतर रखिबा दरकार जे कोन एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन. ओके लेट मी राइट सपोज
L0 late. Late, L0 is the length of the linear object at 0 degree centigrade or 0 degree temperature, base temperature. And LT, length of the linear object at T degree centigrade. Clear? Now T is change or rise in temperature. कहेंगे हमें expansion करिए पहले हमें कौन heat दो जो और heat दिल्ले से expand होगा ना तो ये heat rise करी मतलब पहले कौन करी change or rise in temperature not fall in temperature. temperature fall करे से expand होगा नहीं contract होगा सिर्फ पहले कौन लिखली change in temperature or rise in temperature. now see अबे फॉर्मूला देखिबा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांस को कोथरे एक्सप्रेस करा जाए अल्फा. सो अल्फा इज द टर्म बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ओके सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बाय अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट इज फाउंड आउट टू बी मैथमेटिकली इट इज फाउंड आउट टू बी LT माइनस L0 डिवाइड बाय L0 डॉट T. This is the mathematical expression or mathematical formula for coefficient of linear expansion. Clear? अच्छा ये उठो हमें अब definition टक को हमें किमती पाएगू. definition टक को तो हमें just घुसी दियो ना. ये तो हमें किमती define किमती करेगू. ये तो हम ठाने लगता है. Now see L T minus L zero. What is this? This is the change in length. गुटे लीनियर ऑब्जेक्ट टाकू जत हम हीट दबू त ओरिजिनल टेंपरेचर जहा थिबो हीट दे कोन हो एक्सपांड हो त माने त लेंथ रा बढी जिवो. सो दिस इज द चेंज इन लेंथ एंड दिस इज द ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी इज द राइज इन टेंपरेचर. फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल गेट द डेफिनेशन जोटा को हम घुसिबा जमा दरकार नै एउटु हम केमि द डिफाइन करिवु केमि द डिफाइन करिवु लेट मी डिफाइन केमि द डिफाइन करिवु. नाउ सी coefficient of linear expansion. See, from this relation we will like to define. Now see, coefficient of linear expansion is defined as the change in length per unit length at 0 degree centigrade per degree rise in temperature. See, here we will be getting the definition. Change in length per unit length at 0 degree centigrade per degree rise in temperature. This is the definition of coefficient of linear expansion. Now from here we can get another formula, that is LT is equal to L0 1 plus alpha T. This is also another formula for coefficient of linear expansion in terms of final temperature or final length of the linear object. Now see, we'll now find out the dimension and unit. See, here we know alpha is equal to LT minus L0 divided by L0 dot T. Clear? What will be the unit? Unit in SI unit will be having see here this is meter divided by meter dot degree Kelvin. Now see meter gets cancelled, degree Kelvin to the power minus 1. So unit of coefficient of linear expansion is this one and dimension will be m0 l0 t0 k to the power minus 1. This is the dimension of coefficient of linear expansion. You may be asked in your semester examination not frequently but by some time you will be facing this type of that write the unit of
coefficient of linear expansion and dimension of coefficient of linear expansion. So this is all about coefficient of linear expansion. Now moving on to coefficient of two-dimensional body, coefficient of that is areal expansion or coefficient of superficial expansion. Okay, let me write coefficient of superficial expansion or linear expansion jota ki two-dimensional solid rahi hue jahar kebal area thibo mane length aur breadth term re ame use karthu coefficient of areal or superficial expansion. Now see, this is expressed in terms of beta. Beta represents coefficient of areal expansion or coefficient of superficial expansion. Let A0. In previous case, we have taken L0. Kahengi? Kahengi na seta linear object thila, one dimension object thila, seti kebola gote dimension thila, tapai L0 nothulu. Eti kon two-dimensional object manne just like a sheet of paper. Sheet of paper is not metallic. Jaku heat thila ame expand karibo. Kintu metallic sheet jodi gote noba. Se metallic sheet ko ame heat kale tar length बढ़ी breadth भी बढ़ी तो मैंने area टार बढ़ी ला तो से जगह में कौन a zero लिखी हु let a zero is area of the two dimensional solid at 0 degree centigrade और base temperature से base temperature a t is area of the two dimensional solid at t degree centigrade and T, what is T? Rise or change in temperature. Now see, after series of experiments, scientists found out that scientists devised a formula. Jota ki amo seta posiba dorkar nahi. Scientist mane already se formula ta amku deichanti. By applying this formula, ame engineer hobu na, ame apply karibu. See, beta or coefficient of areal expansion or coefficient of superficial expansion beta is equal to at minus a0 divided by a0 dot t. This is the formula for coefficient of superficial expansion or coefficient of areal expansion. From this relation we will get the definition. Tame mane kon karo aga definition ko ghosi dio. घोसीबार किछि चांस नै किछि प्रॉब्लम किछि भी दरकार नै काहे कि हमें घोसीबु सी एउठु हमें डेफिनेशन केमे बाहर करिबु मु ओडिया कोजि तापर इंग्लिश कहि कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन को हमें केमिति डिफाइन करिबु एरिया चेंज पर ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर तले हमें कोन केमिति डिफाइन करिबु लेट मी डिफाइन केमिति डिफाइन करिबु कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज द चेंज इन एरिया एटी माइनस ए जीरो इज चेंज इन एरिया इज द चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर ऑफ ए टू डायमेंशनल बॉडी वेरी इजी यू कैन फाइंड ऑल माय क्लास नोट्स इन आवर www.mkdeducation पोर्टल बहुत सुंदर भाव लिखाई छि क्लियरली लिखाई छि डेफिनेशन भी बहुत सुंदर लिखाई छि यू कैन रेफर आई विश यू वुड रेफर यू वुड विजिट आवर वेबसाइट हियर डेफिनेशन कह देली सिमिलरली वन मोर फार्मूला इज देयर आवर ए टी इज ए जीरो वन प्लस सो दिस इज द अनदर फार्मूला सी here we can find out the unit similar in previous case what is that see our we know beta is equal to at minus a0 divided by a0 dot t so at minus a0 will be having a unit of meter square now a0 that is meter square dot
Kelvin. Here meter square gets cancelled. Only remains inverse of K. So this is the unit and the dimension is m0, l0, t0, k to the power minus 1. So this is the dimension of the coefficient of superficial expansion. Similarly, we can find out coefficient of cubical expansion or coefficient of volume expansion. Okay, let me write coefficient of So dear students, we'll now discuss coefficient of expansion of a three-dimensional solid upon heating. When heat is added or heat is supplied or it is heated, the coefficient of expansion is termed as coefficient of cubical expansion or coefficient of volume expansion. Coefficient of cubical or volume expansion. It is termed as gamma. Kono gamma. Now see, let V0 is the volume of a three-dimensional solid at 0 degree centigrade or the base temperature or at base temperature. Vt is the volume of a three-dimensional solid at T degree centigrade. Now T is the rise or change in temperature and gamma is the coefficient of volume expansion. See, coefficient of volume expansion. See, from series of experiments, the scientist has devised a formula that is, your gamma is equal to volume at T degree centigrade minus volume at T 0 degree centigrade divided by volume at 0 degree centigrade dot T. Now see, this is the mathematical expression for gamma, that is coefficient of volume expansion. It is also otherwise termed as your Vt is equal to V0 1 plus gamma T. This is another formula. Now see, from these two relations, we can find out our units and dimension of gamma. Now prior to finding out units and dimensions of gamma, let me define what is coefficient of volume expansion or coefficient of cubical expansion. See, coefficient of volume expansion or cubical expansion, which is denoted by the term gamma, is defined as the change in volume per unit volume at 0 degree centigrade per degree rise in temperature. Let me tell you very clearly how you would like to define coefficient of volume expansion. You have to remember this formula only. From this formula, a formula ru tame kon define karibo kemiti. Coefficient of volume expansion is defined as the change in volume of a three-dimensional solid per unit volume at 0 degree centigrade per degree rise in temperature. Now let us discuss the unit of gamma. Now see, from this relation we can find out the change in volume of the three dimensional solid. The unit is meter cube divided by original volume of this three-dimensional solid at 0 degree centigrade, that is meter cube dot degree Kelvin. In SI unit, temperature rise, unit of temperature rise is denoted by degree Kelvin. From here you can cut this. Now this is K to the power minus 1. So this is the
यूनिट ऑफ योर गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. नाउ डायमेंशन इज सी एम जीरो एल जीरो टी पर जीरो एंड के टू दी पर माइनस वन. दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन. सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए वन डायमेंशनल सॉलिड, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. Then coefficient of expansion of a two-dimensional solid, that is coefficient of areal expansion, and finally coefficient of expansion of a three-dimensional solid, that is coefficient of cubical expansion or coefficient of volume expansion. In my next class we'll discuss relation between alpha, beta and gamma. Thank you.